हेलो, सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल वालेकुम सलाम मतलब जान, कैसे हैं? ठीक है। ठीक हूँ। कौन सा बोल रहे, कहाँ से? मैं तरनशीप बात कर रहा हूँ, नवाबशाह साहिब से। जी मेरी जान, फरमाएं क्या पूछना चाहते हैं? बस आपकी वीडियो से पसंद आने पर जो मैंने अच्छा, नवाबशाह कौन सी जगह से हैं? कौन सा आपको गोट, नवाबशाह से साइड में छोटा शहर है हमारा, कौन सा? तरारे। अच्छा, तो फरमाए क्या पूछना चाहते हैं? मुझे दलदल भी लगाना है और सागवान भी लगाना है। अच्छा चले, पहले तजर्बाती तौर पे लगाए। नहीं, जो कब लगाएंगे, कोई 10 पीस पौधे उसके, 10 पीस पौधे उसके लगाएंगे। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सीड कहाँ से मिलेगा, पौधा तो महंगा मिल रहा है। नहीं, वो सीड अगर मिल भी जाए ना, तो सीड की डारमेंसी को ब्रेक करते हुए ना, और उसको उगाने में काफी देर लग जाती है। ठीक है। वो पूरा, या फिर आपके पास कोई हार्मोन्स हो, जिब्रेलिक एसिड है, उसके साथ ट्रीट करके तो फिर अर्ली भी इसको जर्मिनेट करवाया जा सकता है, लेकिन ये तरद्दुद काफी काफी बड़ा मसला आ जाता है। लेकिन सीड कहाँ से मिलेगा, मसला तो ये है ना मेरी जान, क्योंकि सीड ज्यादातर लोग इंडिया से ही लेते हैं या कोई और ममालिक हैं जहाँ पे ये ग्रो किया जाता है। इंडिया के साथ तो वैसे आजकल हमारे ताल्लुकात तो बहुत बहुत ही खराब है। चले, वो बहरहाल ये पहले तो ये एक बंदा था ना, ये जो सागवान वाला जिसका मैंने नंबर दिया हुआ है, राणा तौफीक इकबाल, तौसीफ इकबाल, उनका नंबर आपको मैं दे भी देता हूँ, लेकिन उनका मैंने नंबर दे रखा है। और उनसे मुझे कल ही फीडबैक मिली थी, एक बंदे ने फोन किया था कि डॉक्टर साहब उनके पास तो पौधे दस्तियाब नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जब इंडिया से आएंगे तो अभी ना भी ताल्लुकात खराब हो, कोरोना की वजह से ही ये चीजें आनी जानी बंद हुई हुई है। ठीक है या नहीं? तो वो आपको नंबर मैं दे देता हूँ, उनसे पता कर लें। ये आप उनसे पता कर ले मेरी जान, अगर आप बुरा ना मनाए, अगर तो आप लिख सकते हैं तो लिख लें। सेंड करने का मुझे पता नहीं है कि किस तरह और कितनी, ये जो ही बंद होगा ना तो मैं अगर इसका आपका नंबर भी लिखने की कोशिश करूंगा ना, तो वो भी हो सकता है कि मेरे मैं ना लिख सकूं, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉल्स आ रही होती हैं कि तो मैं नंबर आपको बता देता हूं, आप अगर लिख लें। मैं वैसे सेंड वाला भी मैं बेटे को कहता हूँ कि यार ये साईं चूंकि मेरे सिंध से हैं, तो वो मेरा बच्चे भी मेरा, उनको पता है कि अबू को अपनी जन्म स्थान से बड़ा बड़ा लगाव है जहाँ पैदा हुआ था, तो वो मैं लिख भी लेता हूँ, तो आपको मैं लिखवा। अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे और सबको हंसता बसता ही रखे। ठीक है, आप नंबर लिखें 0300 491 3388। और एक और भी लिख लें उनका, 0333 619 5522। ये इनको अगर, और इनका व्हाट्सएप नंबर भी है, वो भी दे दूं। ये ही बहुत है इनका नंबर, से इनसे बात कर लें। और ये इन्होंने जब मुझे बताया था तो 500 रुपए का कहते थे पौधा दूंगा। ये उनसे बात कर लें। मेरे साथ तो जो बात हुई थी ना इनकी, तो इन्होंने कहा था कि जी मैं, हमारा काम है पहुंचाना, और हो सकता है वो ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज
दूर अगर पहुंचाना है तो हो सकता है देर ज्यादा ले लें, या सत्तर का क्या रेट होगा जी? ये भी उन्हीं से पूछ लेना कि क्या उनके पास अवेलेबल भी हैं या नहीं, अगर हैं तो कितने में है, कितने का है, और इसका ये उन्हीं को पता, चूंकि वो लोग तजारत करते हैं, मैं तो खिदमत करता हूँ ना। आमीन, दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह मियाँ सलामत रखे। और नवाबशाह में तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी इस वक्त, कौन सा है आपका जगह? हाँ, जमीन की नेचुरल लेयर रहती है कि हमारे पास हवा चलती है फिर से। वाह वाह, 15 किलोमीटर नाम शाम से जनूब की तरफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, शबाब की तरफ चले। हवा 50% होता है। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपको वो माए जैसे दुआ देती है ना, एक हमारे जो पंजाबी वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं माँ कहती है तत्ती वार अलग ये। तो आपको मैं दुआ दे सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपको तत्ती वार ना लगाए, ठीक है? आप भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत वाले दिन लोग नंगे पांव, नंगे बदन और बग़ैर खतने के इकट्ठे किए जाएंगे। यानी हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल, यानी वहाँ तो मर्द और औरतें इकट्ठे होंगे और वो एक दूसरे को देखेंगे? आपने फरमाया मामला इससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा, यानी मुवक्कफ़ हिसाब की हौलनाकी और शिद्दत एक दूसरे की तरफ देखने की मोहलत ही नहीं देगी। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूं, दुआओं में याद रखें। फीमा अल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोजाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पर डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।